मैं सुनैना स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। तो चलिए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सुदामा परिवार द्वारा मिलक में श्री श्याम संकीर्तन का भव्य आयोजन। मिलक में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुदामा परिवार द्वारा श्री श्याम संकीर्तन का भव्य आयोजन रामलीला मैदान में किया गया, जिसमें बाहर से आए हुए कलाकारों ने श्याम भजनों से भक्तों का मन मोह लिया, जिसमें प्रमुख रूप से मनोज शर्मा पागल ग्वालियर वालों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। रुद्रपुर से आए म्यूजिकल ग्रुप ने अपनी मधुर स्वर लहरियों से सबका मन मोह लिया। श्याम सरकार सेवा समिति के अध्यक्ष श्री अभिषेक अग्रवाल एवं सभी सदस्य ने फूल मालाओं से मनोज शर्मा का स्वागत किया। इसी क्रम में रामदूत बालाजी समिति ने अपने सभी सदस्यों के साथ बाबा श्याम के इस संकीर्तन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन सुदामा परिवार के ऑर्गेनाइजर राजू शर्मा के द्वारा किया गया। हालांकि मौसम लगातार खराब था, लेकिन भक्त के आगे भगवान को आखिर झुकना ही पड़ा। कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या काफी रही। देर रात तक बनी रही पंडाल के बाहर लंगर का भी इंतजाम, जिसमें काफी लोगों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। बाहर से आए हुए सेवार्थी मंडल ने लोगों की चरण पादुका का काउंटर लगाया हुआ था, जिसमें लोगों की चप्पलें व जूतों को सुव्यवस्थित ढंग से रखा गया, जिससे लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हिंदुस्तान न्यूज 24 मिलक से विकास वशिष्ठ की खास रिपोर्ट। I'm gonna go to the hospital.